विदिशा जिले की ग्राम पंचायत खिरिया जाकिर में निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है। कमीशनबाजी और ठेकेदार को उपकृत करने के लिए मिस्त्री बनाकर दिखावे का अनुबंध कराया गया है। नियमानुसार निर्माण एजेंसी पंचायत की ही होना चाहिए। पंचायत क्षेत्र के ग्राम रामपुरा में स्वीकृत गौशाला निर्माण के लिए तकरीबन 38 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें मनरेगा के तहत मजदूरों से कार्य कराया जाना है। सरपंच सचिव, सहायक सचिव के फिक्स कमीशन के साथ ठेकेदार मिस्त्री के पूर्व में किए गए कार्यों को गुणवत्ताहीन है और वे अधर में लटके हैं। मीडिया ने ऐसे विकास और निर्माण कार्यों, कमीशनखोरी और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को बेनकाब करने की मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत ग्राम पंचायत इंदरवास की गौशाला में हो रहे घटिया निर्माण कार्य का पर्दाफाश किया गया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। इंजीनियर साहब के सामने काम लगवा रहे, मैं अकेलो नहीं कर रहा साहब, बिल्ले भी धान के और मौका पे हर दिन आ रहा है भी। हाँ, जो आपने जो लिखा पढ़ी करवाई है उसमें उपयंत्री जी का नाम, उपयंत्री के भी लिखवाया, तो उनके संज्ञान में भी है ये बात? हाँ, है ना, का लिखा पढ़ी करवा ली है ठेकेदार द्वारा। ठीक की कोई बात ही नहीं है साहब। नहीं तो ईमानदारी की बात है, कोई बात तो सचिव की, सचिव द्वारा बात हुई भाई। वो सचिव जरूर मांग रहा हूँ 6%, हमने हम नहीं दे रहे जब तक। सरपंच साहब, सचिव साहब कितने परसेंट मांग रहे हैं? 6% मांग रहे थे। और रोजगार सहायक जो मास्टर लगाते हैं वो 2%। अच्छा, और जो उपयंत्री जी, उन्होंने कुछ नहीं किया हमसे। हमारी प्रथा ग्राम पंचायतों में बंद है, लेकिन अनुबंध करके सरपंच अपनी कमीशन लेकर के और ठेकेदारों से काम करवा रहे हैं। ऐसे एक प्रकरण तो ठेकेदारी का तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन घटिया सामग्री का एक प्रकरण आया हुआ था कलेक्टर साहब को, और उसमें सर ने पीएल ने निर्देश दिया है ईआरएस को, यदि ऐसे घटिया सामग्री मौके पर पाई जाएगी तो संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। तो अभी इसकी क्रॉस मॉनिटरिंग कर पाएंगे आप? ईआरएस क्रॉस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर ऐसा मौका उनको कहीं मिलता है तो वो उनके सीधे ईआरएस को जवाबदारी तय की गई है, और ईआरएस मॉनिटर करके देखेंगे उस चीज़ को। यदि कहीं ऐसे गलत सामग्री पाई जाती है मौके पर, है घटिया सामग्री लगाई जाती है, तो बिल्कुल संबंधित जो भी है सरपंच, सचिव, जीआरएस या संजय, उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, जो ठेकेदार जो कर रहे हैं काम, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है, अगर आपके संज्ञान में होगा तो बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।